that is the hormone receptors mechanism and action. And again I took a topic from the biotechnology and the topic was restriction enzyme. तो अभी तक स्टूडेंट्स हमने लगभग 7 टॉपिक्स को बहुत ही अच्छे से कवर किया है. होप स्टूडेंट्स आपको मेरी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है. सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडे सेशन. स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू एंजॉय दिस. एंड हियर व्हाट आई कैन सी नाउ वी हैव गॉट 100 पीपल लाइव एंड दैट्स द टाइम नाउ टू स्टार्ट. सो स्टूडेंट्स चलिए चलिए स्टूडेंट्स मजा आने वाला है. बहुत बहुत मजा आने वाला है. तो हियर वी हैव सायन मंडल जिंदगी ओके दीपक कुमार शुभम त्रिपाठी राजकुमार रक्षत गुलजान अनुप्रिया रौनक बरसाती देवी. देयर आर मेनी पीपल एंड दे आर ज्वाइनिंग. सबके नाम लूंगा धीरे धीरे. चलिए आज का जो टॉपिक है यू आर गोइंग टू लव दिस. एंड आज का भी जो टॉपिक है मतलब आप लिख लो नीट 2020 में एक क्वेश्चन तो उस टॉपिक से आने ही आने वाला है. एंड स्टूडेंट आज कोशिश करेंगे कम से कम 2 टॉपिक को कवर करने का. तो चलिए क्या आप गेस कर सकते हो यार क्या आप गेस कर सकते हो कि आज कौन सा टॉपिक सर लेके आए हैं. ओके चलिए या चलिए नाउ 111 ओके सो लेट्स स्टार्ट एंड द टुडेज टॉपिक इज गोइंग टू बी योर फेवरेट वन लैक ऑपेरॉन. स्टूडेंट टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है. हर साल नीट के पेपर में आप निकाल के देख लीजिए इस टॉपिक से क्वेश्चन जरूर रहता है. एंड यू पीपल विल लव दिस द वे आई विल एक्सप्लेन यू दिस टॉपिक. तो चलिए यार तैयार हो जाइए स्टूडेंट इस टॉपिक के लिए द लैक ऑपेरॉन. ओके तो स्टूडेंट सबसे पहला चीज आपको देखना है कि ये जो लैक ऑपेरॉन है ये हम लोग कहां पर स्टडी कर रहे हैं. तो दिस इज गोइंग टू बी स्टडीड इन द प्रोकैरियोट्स. याद देखिए स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक इन द प्रोकैरियोट्स. नाउ प्रोकैरियोट्स में आखिर किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं. तो वी आर टॉकिंग अबाउट द लैक्टोज. नाउ लैक्टोज के मेटाबॉलिज्म के बारे में बात कर रहे हैं. एंड नाउ स्टूडेंट लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म इट कैन बी अ कैटाबॉलिज्म और अ एनाबॉलिज्म. स्टूडेंट दिस इज गोइंग टू बी ऑलवेज एंड ऑलवेज हियर द कैटाबॉलिज्म ऑफ द लैक्टोज. याद देखिए यहां पर जो हम लोग बात कर रहे हैं जिस पाथवे के बारे में तो दैट इज अ कैटाबॉलिक पाथवे फॉर द लैक्टोज. तो स्टूडेंट अगर तुम्हें लैक्टोज को ब्रेक करना है तो लैक्टोज किन 2 यूनिट्स में टूटने वाला है. तो लैक्टोज इज गोइंग टू ब्रेक डाउन इनटू द ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. एंड स्टूडेंट ये जो ग्लूकोज और गैलेक्टोज होता है इनके बीच में कौन सा बॉन्ड होता है तो यहां पर जो बॉन्ड होता है वो होता है बीटा 1,4 गैलेक्टोसाइडेज. एक एक पॉइंट लिखते जाइए सारे टॉपिक से सारे पॉइंट से क्वेश्चंस आ सकते हैं. तो लैक्टोज विल गेट ब्रोकन डाउन इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. नाउ सी स्टूडेंट मान लीजिए मेरे पास एक प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया है एंड दैट इज योर ई कोलाई. ठीक है अब स्टूडेंट इस ई कोलाई को खाने में जैसे कि अभी आप लोग डिनर करके आए होंगे तो डिनर में मैं 2 चीजें दे सकता हूं. एक मैं दे सकता हूं ग्लूकोज और दूसरा मैं दे सकता हूं समथिंग कॉल्ड लैक्टोज. मान लीजिए इसे डिनर में मैं ये 2 चीजें देता हूं ग्लूकोज एंड द लैक्टोज. एंड नाउ ग्लूकोज इज द फेवरेट. ग्लूकोज जो है ये फेवरेट है किसका ई कोलाई का. तो अगर तुम उसे ग्लूकोज दोगे तो दे आर नॉट गोइंग टू गेट कॉन्सेंट्रेटेड ऑन एनी वे टुवर्ड्स द लैक्टोज. लैक्टोज को ये बैक्टीरिया खाना पसंद नहीं करता है. बैक्टीरिया को अच्छे खाने में क्या लगता है ग्लूकोज. तो याद देखो अगर तुम उसे ग्लूकोज दे दोगे तो वो लैक्टोज की तरफ मुड़ के भी नहीं देखेगा. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू गिव हिम व्हाट सर लैक्टोज
and no glucose. Now he has no option. Bechara bhuke to nahi so sakta hai. Then only he is going to switch over to lactose. To student, yaad rakhiyega aapko ki E. coli prefer kisko karta hai. To E. coli prefer karta hai glucose ko. But agar glucose nahi raha, to he is going to be eating on the lactose also. To student, to dekhte hain ki aakhir ye jo bacteria hai, ye lactose ka istemal kaise karta hai. ठीक है तो चलिए स्टूडेंट्स नाउ लेट्स पे अटेंशन टू दिस दैट हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट ईट ऑन द लैक्टोज. मान लीजिए ये तुम्हारा एक बैक्टीरिया का सेल है. दिस इज अ बैक्टीरियल सेल. ओके नाउ इस बैक्टीरियल सेल को मान लो मैंने कुछ लैक्टोज के मॉलिक्यूल्स दे दिए. दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टोज. ओके दीज आर द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लैक्टोज. नाउ बैक्टीरिया के पास ऐसा कुछ तो नहीं है कि वो जाएगा और घप से जाके खा लेगा इस लैक्टोज को. तो सबसे पहला चीज होना चाहिए कि ये लैक्टोज इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करे. ये लैक्टोज इस बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन को क्रॉस करे और ये तभी क्रॉस कर पाएगा जब इसके पास एक एंजाइम होगा परमिएज. जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट. परमिएज. परमिएज क्या करता है? लैक्टोज के परमियाबिलिटी को इंक्रीज कर देता है फॉर दिस बैक्टीरिया. तो ये परमिएज नाम का एंजाइम आखिर आता कहां से है? तो डू रिमेंबर स्टूडेंट, दिस कम्स फ्रॉम अ जीन एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज द लैक वाई जीन. ये जो तुम्हारा लैक वाई जीन है, इस जीन से आएगा तुम्हारा क्या? परमिएज. अगर वाई जीन ट्रांसक्रिप्शन किया और ट्रांसलेशन किया तो उसके कारण से क्या बनने वाला है? परमिएज. और अगर परमिएज बना तो लैक्टोज इस सेल के अंदर में चला आएगा. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ वंस दिस लैक्टोज एंटर्स हियर, जस्ट पे अटेंशन स्टूडेंट. वंस दिस लैक्टोज एंटर्स हियर, नाउ बैक्टीरिया के लिए लैक्टोज इज नॉट प्रिफरेबल. तो बैक्टीरिया चाहेगा कि कैसे भी करके मैं इसे कन्वर्ट कर दूं क्या चीज में? ग्लूकोज में. तो स्टूडेंट लैक्टोज के ऊपर काम करता है एक नया एंजाइम एंड दैट नया एंजाइम इज कॉल्ड एज द बीटा गैलेक्टोसाइडेज. जो नया एंजाइम है जो कि अंदर में काम करता है वो है बीटा गैलेक्टोसाइडेज. क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है? बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. तो उसे ब्रेक करना है, तो उसे ब्रेक करने के लिए यू नीड बीटा गैलेक्टोसाइडेज एंड इट विल ब्रेक दिस इनटू ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ओके एंड नाउ ग्लूकोज बन गया. नाउ बैक्टीरिया इज वेरी हैप्पी एंड ही इज गोइंग टू एंजॉय दिस. ये आखिर बीटा गैलेक्टोसाइडेज कहां से आता है? तो डू रिमेंबर स्टूडेंट, द बीटा गैलेक्टोसाइडेज, दिस कम्स फ्रॉम अ जीन एंड दैट जीन इज कॉल्ड एज द लैक जेड जीन. तो लैक जेड जीन अगर काम करेगा तो क्या आएगा? बीटा गैलेक्टोसाइडेज. लैक वाई आएगा तो आएगा परमिएज. And student, there is one more enzyme. There is one more enzyme, and that enzyme is acetylase. That enzyme is acetylase. Yaad dekhiye student, ye jo acetylase naam ka enzyme hai, kisi kisi book mein likha rahega, trans acetylase. Okay, so there is nothing to worry here. This comes from a gene called as the lac A gene. That comes from a gene called the lac A जीन. तो लैक ए जीन से एसिटाइलेज आएगा, लैक जेड से बीटा गैलेक्टोसाइडेज आएगा और लैक वाई से परमिएज आएगा. अब आप बोलोगे कि सर आपने एसिटाइलेज का तो फंक्शन बताया नहीं. यस सर, ये जो एसिटाइलेज है ये कैसे काम करता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन? दिस इज नॉट क्लियर. लेकिन ये श्योर है कि विदाउट एसिटाइलेज लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं हो पाएगा. तो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट, आपको फंक्शन केवल दो का याद रखना है, लैक वाई का और लैक जेड का. होप एवरीबॉडी इज गेटिंग दिस. इतना सब किसी को समझ में आया. एक स्टेप और दिमाग में रखिएगा स्टूडेंट कि जैसे लैक्टोज सेल के अंदर में घुसता है, जैसे लैक्टोज सेल के अंदर में घुसता है, सम मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टोज आर गोइंग टू फॉर्म अ आइसोमर.
they are going to get converted into a isomer of lactose, and that isomer is called as the allolactose. इसका क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं अभी थोड़े देर में बताता हूं, वो अभी मैं थोड़े देर में बताता हूं, बट पहले याद रखिए कि जब लैक्टोज सेल के अंदर में जाता है तो वो कन्वर्ट होता है इनटू द आइसोमर एंड दैट इज कॉल्ड एज द एलोलैक्टोज. तो क्वेश्चन पूछेगा कि लैक्टोज और एलोलैक्टोज में क्या डिफरेंस है, तो दिस इज अ आइसोमर ऑफ लैक्टोज. याद रखिए जो एलोलैक्टोज होता है यहां पर जो बॉन्ड होता है दैट इज बीटा 16. लैक्टोज में जो बॉन्ड था दैट वाज बीटा 14 और यहां पे जो बॉन्ड है दैट इज बीटा 16. तो अभी मैंने आपको बता दिया कि हाउ लैक्टोज इज गेटिंग ब्रोकन डाउन, मतलब लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म कैसे होता है, कौन कौन से जीन चाहिए, लैक वाई चाहिए, लैक जेड चाहिए, लैक ए चाहिए, ये तीन एंजाइम चाहिए. अगर तीनों एंजाइम आएगा देन ओनली द ई कोलाई विल बी एबल टू यूटिलाइज द लैक्टोज. तो स्टूडेंट्स इससे पहले कि थोड़ा सा हम लोग और आगे बढ़े थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को देखते हैं, थोड़ा सा कमेंट सेक्शन को देखते हैं स्टूडेंट. ओके सो मजा आ रहा है, क्रिस्टल क्लियर है सर. ओके 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 चलिए गुड 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 वेरी वेरी गुड स्टूडेंट्स, देयर आर सो मेनी गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट, 121 स्टूडेंट्स नाउ वॉचिंग अस लाइव. जल्दी से 200 कर दो यार, जल्दी से. अगर अभी तक अपने फ्रेंड्स को नहीं बुला के लाए हो उठाकर ले आओ, उन्हें भी उठाकर ले आओ, क्योंकि अभी तो मजा आने वाला है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, अभी तो जस्ट शुरुआत है, आग लगेगी और मजा आएगा. तो स्टूडेंट्स मजा आ रहा है. ओके वेरी वेरी गुड. चलिए स्टूडेंट्स नाउ लेट्स प्रोसीड, नाउ स्टूडेंट्स लेट्स प्रोसीड. अब थोड़ा सा बात करते हैं, अब स्टूडेंट्स थोड़ा सा बात करते हैं अबाउट दिस लैक ऑपरॉन का स्ट्रक्चर. तो चलिए स्टूडेंट्स लेट अस टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द लैक ऑपरॉन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट. अब देखो लैक ऑपरॉन का जो स्ट्रक्चर है तो दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी जीन्स. मैं पूरा डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा जल्दी बताऊंगा, ठीक है. तो दैट कंसिस्ट ऑफ मेनी जीन्स. याद देखिए स्टूडेंट आप चाहें तो उधर से इधर याद कर सकते हैं, इधर से उधर भी याद कर सकते हैं, बट मेरे लिए ज्यादा इजी होता है इस तरफ से, मतलब उल्टे डायरेक्शन में याद करना, ठीक है. तो देखिए सबसे पहले स्टूडेंट यहां पे एक जीन है, यहां पर स्टूडेंट एक जीन है एंड दैट जीन इज द ए जीन. तो सबसे पहला जीन होगा ए जीन, दैट इज द लैक ए. उसके बगल में नेक्स्ट जीन है वाई जीन, उसके बगल में नेक्स्ट जीन है जेड जीन. तो स्टूडेंट्स ये तीन जीन है ए वाई जेड, ऑर्डर में याद होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन सेटर ऐसे क्वेश्चंस पूछता है, अगर आपको सीक्वेंस नहीं पता रहेगा तो सब कुछ जानते हुए भी आप आंसर नहीं कर पाएंगे. तो यू शुड रिमेंबर कि अगर आप उस तरफ से आ रहे हैं तो पहले जेड फिर वाई फिर ए, बट अल्फाबेट में एबीसीडी लाइन से होता है, इसीलिए मैं उल्टा याद करता हूं ए वाई एंड जेड. ओके एंड दिस थ्री जीन्स आर कॉल्ड एज द स्ट्रक्चरल जीन्स. इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स. ओके नाउ सी स्टूडेंट्स इसके बगल में एक दूसरा एरिया होता है और इसे बोलते हैं हम लोग ऑपरेटर. इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ऑपरेटर. तो ऑपरेटर का स्ट्रक्चर को थोड़ा सा मैं इस तरह से बनाता हूं क्योंकि इसका इस्तेमाल मैं करने वाला हूं. तो दिस इज योर ऑपरेटर.
Hello students, there was some technical error. Hope all of you can listen to me. There was some technical error. Please thoda sa comment section mein batayenge. If you are able to listen to me. Yes sir, crystal hai sir, kya ho gaya? Hello sir. Yes sir, theek hai sir. Okay. सर डिजिटल है तो थोड़ा सा तो कुछ कुछ प्रॉब्लम्स कभी कभी आ जाती है. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ओके चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं. इफ एवरीथिंग इज ओके स्टूडेंट्स हियर. यस सर स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू द क्लास. समटाइम्स सम प्रॉब्लम्स टेक प्लेस. ओके चलिए सर, लेट्स स्टार्ट अगेन. यू पीपल आर रियली रॉकिंग एंड आई विल रॉक नाउ. ओके चलिए कभी कभी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो तो थोड़ा बने रहिएगा, सर विल बी बैक वेरी सून. ओके चलिए स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था यहाँ पे कि हियर वी हैव गॉट द स्ट्रक्चरल जीन, हियर वी हैव गॉट द ऑपरेटर. एंड नाउ ऑपरेटर के बगल में स्टूडेंट हमारे पास एक दूसरा एरिया है. एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज द प्रोमोटर. दिस एरिया इज कॉल्ड एज द प्रोमोटर. एंड प्रोमोटर के बगल में दूसरा एरिया है एंड दिस एरिया इज कॉल्ड एज द आई जीन और द आर जीन, जिसको कि बोलते हैं रेगुलेटर. तो सबसे पहले पूरे सीक्वेंस में इस ऑर्डर को याद रखना है, ए वाई जेड, देन वी हैव ऑपरेटर, प्रोमोटर एंड रेगुलेटर. सारे लोगों को शॉपिंग करना बहुत पसंद होगा. सिंपली रिमेंबर द वर्ड एस ओ पी आर, शॉपर. शॉपर इज गोइंग टू बी शॉपिंग, स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रोमोटर एंड द रेगुलेटर. ठीक है, अब स्टूडेंट्स सबके बारे में बात करते हैं. अब देखो यहां पर स्टूडेंट, ये जो तुम्हारा सेगमेंट है स्ट्रक्चरल जीन का, अगर इसका ट्रांसक्रिप्शन हुआ तो स्टूडेंट क्या होगा, चलिए जल्दी से बताइए. तो ट्रांसक्रिप्शन होने से यू गेट अ एमआरएनए, आपको एक एमआरएनए मिलेगा. मान लीजिए स्टूडेंट दिस इज अ एमआरएनए. ओके एंड नाउ अगर इस एमआरएनए का ट्रांसलेशन हुआ, तो क्या होगा. तो स्टूडेंट्स यू आर गोइंग टू गेट हेयर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन. इस वाले सेगमेंट से क्या बनेगा, एसिटाइलेज. ये बीच वाले सेगमेंट से क्या बनेगा, बीटा नॉट. दिस इज वाई, दिस इज गोइंग टू फॉर्म परमिएज. एंड लास्ट वाले से क्या बनेगा, दिस इज गोइंग टू फॉर्म बीटा गैलेक्टोसाइडेज. तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो, हमारे पास बस एक एमआरएनए है और एक ही एमआरएनए से मैंने कितने पॉलीपेप्टाइड बनाए हैं, तो मैंने 3 पॉलीपेप्टाइड बनाए हैं. जब भी ऐसा होता है कि अगर वन एमआरएनए फॉर्म्स Many types of polypeptide chains. तो स्टूडेंट्स वैसे mRNA को हम लोग बोलते हैं polycystronic mRNA. ये क्वेश्चन भी बहुत बार नीट में पूछता है कि स्टूडेंट व्हाट इज पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए. तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक एमआरएनए का मतलब होता है कि एक एमआरएनए एक से ज्यादा पॉलीपेप्टाइड बना रहा है. याद रखना स्टूडेंट कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वी आर स्टडिंग प्रोकैरियोट्स और इसमें पॉलीसिस्ट्रॉनिक है. एग्जाम में पूछेगा कि पॉलीसिस्ट्रॉनिक किसमें पाया जाता है, तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक इज फाउंड इन द प्रोकैरियोट्स एंड मोनोसिस्ट्रॉनिक is found in the eukaryotes. Mono का क्या मतलब होगा, जब एक mRNA से केवल एक ही टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन बनेगा. बट यहां पर आप देख रहे हो कि हमारे पास एक mRNA है बट कितने पॉलीपेप्टाइड बने हैं, तो we have got here
three types of the polypeptide chains. Hope students everybody got this. चलिए अब देखिए student कि ये सब क्या है. तो देखो यहां पर जो ये regulator है, this regulator is a I gene. I gene जो कि तुम्हारा regulator है, ये एक constitutive gene है. ये कैसा gene है? This is a constitutive gene. अब constitutive gene क्या होता है? तो students याद देखिए, एक ऐसा जीन जो कि अपने आप को हमेशा और हमेशा एक्सप्रेस करता है, मतलब इस जीन का हमेशा ही ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, आप इसको कभी भी स्विच ऑन और स्विच ऑफ नहीं करेंगे, वैसे जीन को हम लोग कॉन्स्टिट्यूटिव जीन बोलते हैं. और स्टूडेंट यहां पर जो ये तुम्हारा आई जीन है, दिस आई जीन इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन विच ऑलवेज कोड्स फॉर अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल. कैसा मॉलिक्यूल? अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल. तो मान लीजिए स्टूडेंट मैंने यहां पर एक रिप्रेसर बना दिया, तो मान लो ये तुम्हारा एक रिप्रेसर है, ठीक है. तो ये फंक्शन किसका है? आई जीन का. आई जीन जब भी रहेगा उसका काम क्या है कि मैं रिप्रेसर बनाऊंगा, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं है. आई एम अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, आई एम अ हाउसकीपिंग जीन. जो जीन हाउसकीपिंग होता है या कॉन्स्टिट्यूटिव होता है वो अपने आप को हमेशा और हमेशा एक्सप्रेस करता है. एंड स्टूडेंट दिस इज योर प्रोमोटर. अब प्रोमोटर क्या होता है? प्रोमोटर स्टूडेंट वो साइट होता है जहां पर आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है. याद रखिए, दिस इज द साइट वेयर कौन बाइंड करता है? आरएनए पॉलीमरेज. ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आरएनए पॉलीमरेज कहां बाइंड करता है. तो दिस बाइंड्स टू द प्रोमोटर. अब देखो स्टूडेंट, अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड किया और अब अगर ये इधर की तरफ मूवमेंट शो किया, अब ये इधर बाइंड किया और इधर की तरफ मूवमेंट शो किया, तो वो इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, इसका ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिसके कारण से एमआरएनए बनेगा. और अगर एमआरएनए बना तो ये आपके जितने एंजाइम्स हैं ये सारे के सारे एंजाइम्स बनेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन. तो अगर आरएनए पॉलीमरेज इधर बाइंड करता है और इसके बाद ये आगे की तरफ बढ़ता है तो ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसलेशन होगा, ये सारे एंजाइम्स बनेंगे और लैक्टोज का कैटाबॉलिज्म होगा. लेकिन अगर किसी कारण से आरएनए पॉलीमरेज यहां बाइंड नहीं कर पाया और अगर बाइंड किया भी और अगर मैंने इसे रोक दिया, मैंने इसे इस तरफ मूव करने नहीं दिया, तो वैसे केस में क्या होगा स्टूडेंट? वैसे केस में ये जो ऑपरॉन सिस्टम है ये क्या हो जाएगा? ये ऑफ हो जाएगा. तो स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा ऑपरेटर वाला एरिया है आप देख रहे हो, इसका स्ट्रक्चर इस रिप्रेसर से मैच करता है. तो ये रिप्रेसर जाके यहीं पे बाइंड करता है. दिस इज द एरिया वेयर द रिप्रेसर बाइंड्स. तो स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर कि रिप्रेसर कहां पे बाइंड करता है, तो रिप्रेसर बाइंड्स टू द ऑपरेटर. ठीक है, तो पूरा का पूरा ये सब चीज समझ गए. देखिए स्टूडेंट्स मैं लैक ऑपरॉन के साथ साथ आपको और भी बहुत सारे टॉपिक्स बता रहा हूं, सारे पॉइंट्स को लिखना है, केवल लैक ऑपरॉन पे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना है. मैंने आपको पॉलीसिस्टोनिक बताया, मोनोसिस्टोनिक बताया, मैंने आपको अभी बताया प्रोमोटर क्या है, ऑपरेटर क्या है, रेगुलेटर क्या है, कॉन्स्टिट्यूटिव जीन क्या है, हाउसकीपिंग जीन क्या है, ये सब पता होना चाहिए. ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो एक बार तुम अब ये स्ट्रक्चर समझ गए ना, अब टॉपिक बहुत सिंपल है, देखते हैं स्टूडेंट्स कि आखिर ये लैक ऑपरॉन काम कैसे करता है. ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स सारे लोगों को देखते हैं. 112 पीपल आर ओके. चलिए स्टूडेंट्स नाउ मान लीजिए पहला नंबर मैं केस लेता हूं, केस नंबर वन. मान लो स्टूडेंट केस नंबर वन, ओके. सो इफ वी टेक द केस नंबर वन हियर, और केस नंबर वन में लैक्टोज इज एब्सेंट. लेट्स पे अटेंशन हियर, आपका जो लैक्टोज है वो एब्सेंट है. अब तुम देखो अगर मान लो लैक्टोज एब्सेंट है और मैंने तुम्हें तीन एंजाइम बना के दे दिया कि लो भाई जाओ लैक्टोज को कैटाबोलाइज कर लो, तो आप खुद बताओ कि क्या आप अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो?
क्योंकि अगर आपके पास लैक्टोज ही नहीं है तो उसको कैटाबोलाइज करने के लिए एंजाइम्स लेके क्या करोगे, और टाइम ही बर्बाद नहीं कर रहे हो, साथ साथ में अभी जो तुम उसको करने के लिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन करोगे उसमें बहुत ज्यादा एनर्जी का लॉस होगा, तो आई एम गोइंग टू लूज माई एनर्जी ऑल्सो और मेरे पास लैक्टोज ही नहीं है। तो स्टूडेंट अगर लैक्टोज नहीं है तो ये ऑपरॉन सिस्टम क्या होना चाहिए, ये ऑपरॉन सिस्टम अभी ऑफ होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, जल्दी जल्दी मैं बताता हूं। मान लीजिए स्टूडेंट यहां पे ए जीन है, यहां पे वाई जीन है और यहां पे जेड जीन है। ये तुम्हारा एरिया है जो कि ऑपरेटर है, तो ऑपरेटर कुछ इस टाइप का है। अब देखिए स्टूडेंट्स इसके बगल में क्या है, प्रोमोटर है और यहां पे क्या है, रेगुलेटर है। नाउ लैक्टोज इज एब्सेंट, अब लैक्टोज प्रेजेंट हो लैक्टोज एब्सेंट हो आई जीन को उससे कोई मतलब है क्या, आई जीन इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन। तो स्टूडेंट दिस आई जीन इज गोइंग टू कोड फॉर व्हाट, दिस आई जीन इज गोइंग टू कोड फॉर व्हाट, दिस इज गोइंग टू कोड फॉर द रिप्रेसर। तो ये एक रिप्रेसर के लिए कोड करता है, ठीक है। अब देखिए आरएनए पॉलीमरेज आता है और आखिर वो यहां पे बाइंड करता है, तो दिस इज द एरिया वेयर द आरएनए पॉलीमरेज बाइंड्स। आरएनए पॉलीमरेज आया और आकर वो यहां बाइंड कर गया। नाउ आरएनए पॉलीमरेज वांट्स टू मूव इन दैट डायरेक्शन, लेकिन उससे पहले रिप्रेसर आकर यहां पर बाइंड कर जाता है। तो अगर रिप्रेसर आकर ऑपरेटर से बाइंड कर गया तो क्या वो आरएनए पॉलीमरेज को उधर मूव करने देगा, द रिप्रेसर इज गोइंग टू ब्लॉक, द रिप्रेसर इज गोइंग टू ब्लॉक द आरएनए पॉलीमरेज। और अगर आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक हो गया तो अगर वो इधर जाएगा ही नहीं तो क्या जेड वाई ए का किसी भी प्रकार से ट्रांसक्रिप्शन होगा, तो स्टूडेंट देयर इज गोइंग टू बी नो ट्रांसक्रिप्शन। अगर यहां पर किसी भी तरह का ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा तो स्टूडेंट देयर विल बी नो ट्रांसलेशन। अगर ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ ट्रांसलेशन नहीं हुआ तो ये ऑपरॉन सिस्टम अभी क्या है, ये ऑपरॉन सिस्टम अभी क्या है, तो दिस इज अ ऑफ, अभी ये ऑपरॉन सिस्टम ऑफ है। लेट्स टेक अ अदर केस, मान लीजिए लैक्टोज आ गया, लेट्स टेक अ अदर केस स्टूडेंट, मान लीजिए कि लैक्टोज आ गया तो सेकेंड केस में लैक्टोज इज प्रेजेंट, लैक्टोज इज प्रेजेंट। नाउ स्टूडेंट अगर लैक्टोज प्रेजेंट है तो फिर से एक बार यहां पे जल्दी जल्दी देखते हैं, दिस इज ए दिस इज वाई एंड दिस इज जेड। इसके बगल में स्टूडेंट वी हैव गॉट द ऑपरेटर जो कि कुछ इस तरह का है, देन वी हैव गॉट अ प्रोमोटर एंड देन वी हैव गॉट अ रेगुलेटर। नाउ अगर ये प्रेजेंट भी है तो मुझे क्या मतलब, आई जीन इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन, इट विल ऑलवेज कोड फॉर अ रिप्रेसर मॉलिक्यूल, ये अभी भी एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए कोड करेगा, ये अभी भी एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल के लिए कोड करेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन इस बार एनवायरमेंट में देयर इज समथिंग न्यू एंड दैट न्यू इज नो वन अदर देन द लैक्टोज, दैट न्यू इज नो वन अदर देन लैक्टोज। लेकिन याद रखिए स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था कि जब लैक्टोज सेल के अंदर में जाता है दैट गेट्स कन्वर्टेड इंटू एलोलैक्टोज, तो स्टूडेंट ये लैक्टोज कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, एलोलैक्टोज में। तो ये एलोलैक्टोज या फिर लैक्टोज, या देखो अगर आंसर में एलोलैक्टोज दिया रहेगा तो वो एक बेटर आंसर होगा देन कंपेयर टू द लैक्टोज, लेकिन अगर एलोलैक्टोज आंसर में नहीं है तो आप लैक्टोज पे भी टिक लगा सकते हैं। तो देखिए स्टूडेंट ये जब इसके साथ बाइंड करता है तो ये क्या करता है, इसके कन्फर्मेशन को चेंज कर देता है, इट चेंजेस द कन्फर्मेशन, इट चेंजेस द कन्फर्मेशन ऑफ द रिप्रेसर। तो स्टूडेंट जो रिप्रेसर तुम्हारा अभी इस तरह का था वो रिप्रेसर अब कुछ मान लो इस तरह का हो गया, दिस इज द रिप्रेसर और इसके साथ कौन सा मॉलिक्यूल लगा हुआ है, लैक्टोज। अब देखो ये जो रिप्रेसर है इसका कंफर्मेशन अब ऑपरेटर से मैच नहीं करता है, तो अगर ये इसके साथ मैच नहीं करता है तो दिस विल फेल टू बाइंड हियर,
it will fail to bind here. तो student अगर ये यहां पे bind नहीं करेगा तो RNA polymerase बहुत ही आसानी से आएगा. यहां पे उसने bind किया और अब क्या होगा student, अब ये आराम से इधर की तरफ मूव करेगा और इन सभी का ट्रांसक्रिप्शन होगा. और जब इनका ट्रांसक्रिप्शन होगा, जब इनका ट्रांसलेशन होगा, तब स्टूडेंट हमें क्या मिलेंगे, हमें तीन एंजाइम्स मिलेंगे. और ये तीनों एंजाइम्स लैक्टोज का क्या करने वाले हैं, कैटाबॉलिज्म करने वाले हैं. और ये सिस्टम अब क्या कहलाएगा, तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज द ऑन. सारे लोगों को इतना समझ में आया, सारे लोगों को इतना समझ में आया. अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ध्यान दीजिए, सबसे पहला क्वेश्चन यहां पे पूछेगा, आप देखो कि लैक ऑपरॉन पहले ऑन था या ऑफ, लैक ऑपरॉन पहले ऑन था या ऑफ. तो स्टूडेंट ये पहले था ऑफ, ये पहले था ऑफ और आपने इसे कर दिया ऑन, आपने इसे कर दिया ऑन. किसी भी ऑपरॉन को अगर आप ऑफ से ऑन करते हो, इसका मतलब है कि ये किस टाइप का ऑपरॉन है, तो ये एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है. याद रखिएगा, ये एक इंड्यूसिबल ऑपरॉन है. ठीक है, अगर ये उल्टा होता, पहले ऑन होता और फिर मैं इसे ऑफ कर देता, तो ये होता रिप्रेसिबल ऑपरॉन, दैट इज अ ट्रिप ऑपरॉन. ट्रिप्टोफैन वाला जो ऑपरॉन होता है वो रिप्रेसिबल होता है. ठीक है, नेक्स्ट वन, आप देखो स्टूडेंट कि यहां पे ऑफ से ऑन आखिर किसने किया. जब लैक्टोज एब्सेंट था तो ये ऑफ था, जब लैक्टोज प्रेजेंट हुआ तब ऑन हुआ. इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है कि हु इज द इंड्यूसर, यहां पर इंड्यूसर कौन है, यहां पर इंड्यूसर कौन है. तो इंड्यूसर इज नन अदर देन लैक्टोज, नन अदर देन लैक्टोज. लेकिन स्टूडेंट अभी मैंने आपको बताया कि लैक्टोज से बेटर आंसर क्या है, लैक्टोज से बेटर आंसर क्या है, एलो लैक्टोज, एलो लैक्टोज. स्टूडेंट आज के क्लास के शुरू शुरू में मैंने आपको बताया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लैक्टोज एंड एलो लैक्टोज. जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि एलो लैक्टोज कैसे डिफरेंट है लैक्टोज से. कम ऑन स्टूडेंट्स, कम ऑन बी फास्ट, कम ऑन स्टूडेंट्स बी फास्ट. चलिए कम ऑन, कम ऑन, जल्दी से इसका आंसर बताइए. बोथ आर आइसोमर्स, कोमल राय ने बोला आइसोमर, बट आइसोमर किस टाइप का आइसोमर, किस टाइप का आइसोमर है, बॉन्ड्स में क्या डिफरेंस है बताइए, लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है और एलो लैक्टोज में कौन सा बॉन्ड है. कम ऑन टेल मी दिस. ओके चलिए, गुड गुड गुड. सो देयर आर क्वाइट अ गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. ओके ओके चलिए स्टूडेंट्स, नाइस. तो अब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं. यस सर, जो लैक्टोज है उसमें होता है बीटा 1,4 और एलो लैक्टोज में होता है बीटा 1,6. लेकिन एक्चुअल में जो इंड्यूसर है वो लैक्टोज नहीं है, एक्चुअल इंड्यूसर इज एलो लैक्टोज. ओके चलिए स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स प्रोसीड, लेट्स प्रोसीड अगेन. अब देखो क्वेश्चन पूछेगा कि ये जो तुम्हारा ऑपरॉन है, ये जो तुम्हारा ऑपरॉन है स्टूडेंट, इस ऑपरॉन में मैं किस टाइप के पाथवे को फॉलो कर रहा हूं, कैटाबॉलिक पाथवे या एनाबॉलिक पाथवे. तो याद रखिए, मोस्ट ऑफ द इंड्यूसिबल ऑपरॉन्स आर गोइंग टू फॉलो विच टाइप ऑफ पाथवे, कैटाबॉलिक पाथवे, दे आर गोइंग टू फॉलो कैटाबॉलिक पाथवे. ठीक है स्टूडेंट्स, नाउ एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि अगर स्टूडेंट आपको इस ऑपरॉन को ऑन करना है, इस ऑपरॉन को ऑन करना है, तो दो क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है, द टू क्राइटेरियास आर वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप ऑपरॉन को ऑन करना चाहते हैं लैक ऑपरॉन को, पहला क्राइटेरिया, पहला क्राइटेरिया, लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए, लैक्टोज प्रेजेंट होना चाहिए. अगर लैक्टोज प्रेजेंट नहीं है तो ये कभी भी काम नहीं करेगा. और दूसरा क्राइटेरिया,
लैक्टोज प्रेजेंट तो होना चाहिए, ग्लूकोज एब्सेंट होना चाहिए। अगर ग्लूकोज एब्सेंट नहीं है तो भी ये ऑपरॉन कभी भी ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर तुम बैक्टीरिया को दोनों दे दोगे, लैक्टोज भी दे दोगे ग्लूकोज भी दे दोगे, तो बैक्टीरिया क्यों लैक्टोज के ऊपर अपना टाइम बर्बाद करेगा यार, उसके पास पहले से ग्लूकोज है, ही इज गोइंग टू एंजॉय द ग्लूकोज इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग हिज टाइम ऑन द लैक्टोज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये दोनों ही चीजें होनी चाहिए। एंड स्टूडेंट्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज आस्क्ड हियर दैट किस टाइप का ये रेगुलेशन है, किस टाइप का ये रेगुलेशन है, द टाइप ऑफ रेगुलेशन। तो स्टूडेंट्स अगर आप मेरे क्लास को अभी तक देख रहे हैं तो याद रखिए कि अगर कहीं पे भी जो रेगुलेशन होता है, इफ इट इज थ्रू आई जीन, अगर ये आई जीन के थ्रू हो रहा है, आई जीन क्या कोड करता है, आई जीन इज अ रेगुलेटरी जीन, और ये रेगुलेटरी जीन कोड करता है एक रिप्रेसर मॉलिक्यूल को। और जब भी किसी भी तरह का रेगुलेशन रिप्रेसर मॉलिक्यूल के थ्रू हो तो दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ नेगेटिव रेगुलेशन। याद रखिए इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ नेगेटिव रेगुलेशन। तुमको कभी नहीं सोचना है अगर क्वेश्चन में दे दिया कि भाई जो रेगुलेशन है वो आई जीन के थ्रू हो रहा है, मतलब एक रिप्रेसर के थ्रू हो रहा है, तो दैट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव रेगुलेशन। लेकिन अगर तुम एनसीईआरटी किताब को थोड़ा अच्छे से पढ़ते हो तो आप देखोगे कि एक लाइन बड़ा प्यार से लिखा हुआ है कि समटाइम्स लैक ऑपरॉन कैन बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड ऑल्सो। याद देखिए स्टूडेंट, तो नॉर्मली तो ये कैसा होता है, नेगेटिव रेगुलेशन होता है, बट इट कैन बी पॉजिटिवली रेगुलेटेड। तो अब क्वेश्चन उठता है कि सर पॉजिटिवली रेगुलेटेड कैसे होगा, क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? तो यस सर आई विल एक्सप्लेन दिस। अगर ये रेगुलेशन हो रहा है थ्रू अ स्पेशल प्रोटीन एंड दैट इज कॉल्ड एज द कैप, दैट इज कॉल्ड एज अ कैप। तो स्टूडेंट ये कैप क्या है, इसके बारे में डिटेल में जानना है, चलिए जल्दी से बताइए। अगर इसके बारे में डिटेल में जानना है तो ही बताऊंगा, नहीं तो फिर अगर लग रहा है कि सर ज्यादा बता दे रहे हो यार तो फिर नहीं बताऊंगा। चलिए जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके स्टूडेंट्स, नाइस, यस सर ओके। चलो बहुत सारे लोग हैं जानना चाहते हैं और जानना भी चाहिए, ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले कैप के बारे में जानिए कि ये जो कैप होता है स्टूडेंट, दिस इज कैटाबॉलिक एक्टिवेटर प्रोटीन, ध्यान दो, दिस इज कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। कभी भी कोई भी चीज अगर एक्टिवेटर के थ्रू हो तो वो हमेशा और हमेशा कैसा रेगुलेशन कहलाएगा, दैट विल बी कॉल्ड एज अ पॉजिटिव रेगुलेशन। देखो स्टूडेंट्स ये जो मोटिवेशन भी होता है ना यार, ये दो तरह के मोटिवेशन होते हैं, एक होता है पॉजिटिव मोटिवेशन और एक होता है नेगेटिव मोटिवेशन, और दोनों ही मोटिवेशन अपने अपने जगह पे मस्त काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप एग्जाम में खराब मार्क्स ला रहे हो और फिर भी मैं आपको बोल रहा हूं नहीं कम ऑन यू कैन डू इट, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप कर सकते हैं, तो कुछ लोग पॉजिटिवली मोटिवेट हो जाते हैं और वो लोग अच्छा करते हैं। बट समटाइम्स मैं क्या करता हूं, अगर आप अच्छा मार्क्स भी लाते हैं फिर भी मैं आपको डांटता हूं, फिर भी मैं बोलता हूं कि मुझे और चाहिए, तुम बहुत खराब पढ़ रहे हो, इतने से नहीं होने वाला है, तो स्टूडेंट आप थोड़ा और पढ़ते हैं, बट ये होता है नेगेटिव रेगुलेशन। तो यार डिपेंड करता है, अलग अलग लोगों में अलग अलग टाइप का मोटिवेशन काम करता है, तो यहां पे भी ऐसे ही चीज है। अब थोड़ा सा मैं यहां पे बता देता हूं आपको, ध्यान दीजिए। देखो स्टूडेंट्स ये जो कैप है, ये जो तुम्हारा कैप है कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन, ये क्या करता है, दिस इंक्रीजेस द एफिनिटी ऑफ
RNA polymerase for the promoter और इसके कारण से RNA polymerase binds tightly, this binds perfectly to the promoter. अब देखो जितना perfect binding होगा उतना अच्छा ये काम कर पाएगा. जैसे कि समझने की कोशिश कीजिए स्टूडेंट, जैसे कि मान लो इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा हम लोग इस चीज को समझते हैं, जस्ट वेट. ओके स्टूडेंट्स, नाउ सी हियर. देखिए होता क्या है ना, यहां पर तुम्हारे पास एक जीन है ए, यहां पर है वाई और यहां पर है जेड. नाउ स्टूडेंट्स, इसके बगल में मैंने क्या बताया, इसके बगल में होता है ऑपरेटर, इसके बगल में क्या होता है प्रोमोटर. तो स्टूडेंट दिस वॉज द थिंग दैट आई हैड टोल्ड यू. और फिर मैंने बताया था कि इसके पहले होता है रेगुलेटर, बट इसके पहले एक और चीज होता है जो कि मैंने नहीं बताया था, वो मैं अब बता रहा हूं. दिस इज द साइट दैट इज कॉल्ड एज द कैप साइड. अगर इस कैप साइड में कैप का मॉलिक्यूल बाइंड करे, तो आरएनए पॉलीमरेज बहुत ही आसानी से यहां बाइंड कर जाता है. तो कौन बाइंड कराता है, तो कैप. अब स्टूडेंट ये जो कैप है ये कहां से आता है और ये कैसे एक्टिवेट होता है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिए, थोड़ा सा चीजों को रटना पड़ेगा यहां पे, क्योंकि ज्यादा डिटेल में जाएंगे तो प्रॉब्लम आएगा. तो देखो तुमको क्या रटना है. देखो अगर मान लो स्टूडेंट कि तुम्हारे पास ग्लूकोज नहीं है या फिर तुम्हारे पास ग्लूकोज बहुत कम है, तो देखो जब भी तुम्हारे पास लो ग्लूकोज होगा, तो जस्ट ऑपोजिट होगा साइक्लिक एएमपी के लिए, इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ साइक्लिक एएमपी. ये रट लो, जब भी ग्लूकोज कम होगा तो साइक्लिक एएमपी इंक्रीज होगा, और जब भी ग्लूकोज ज्यादा होगा तो साइक्लिक एएमपी कम होगा. और जैसे साइक्लिक एएमपी ज्यादा होता है तो स्टूडेंट ये क्या करता है, ये एक्टिवेट कर देता है सीएपी को. दिस एक्टिवेट्स द सीएपी एंड सीएपी क्या करेगा, दिस इज गोइंग टू इंक्रीज द बाइंडिंग ऑफ आरएनए पॉलीमरेज किसके साथ, टू द प्रोमोटर. और अगर आरएनए पॉलीमरेज यहां पे परफेक्टली बाइंड किया तो बहुत ही आसानी से इस चीज का क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा. लेकिन अगर ये यहां पे बाइंड नहीं कर पाएगा, अच्छे से बाइंडिंग नहीं होगा, तो स्टूडेंट यहां पे ट्रांसक्रिप्शन अच्छे से नहीं हो पाएगा और ये ऑपरॉन अच्छे से काम नहीं करेगा. तो इस चीजों को याद रखना है. तो चलिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा हम लोग यहां पे एक दो चीजों को रिवाइज कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे. ठीक है, मान लीजिए आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, दे आर गोइंग टू गिव यू द एनवायरमेंट and students they are going to ask you whether the operon is on or off. Okay, तो चलिए आप लोग comment section में answer बताइएगा, पहला environment you have got lactose present. दूसरा एनवायरमेंट में यू हैव गॉट द ग्लूकोज प्रेजेंट. तीसरा एनवायरमेंट में स्टूडेंट यू हैव गॉट द लैक्टोज भी प्रेजेंट प्लस ग्लूकोज भी प्रेजेंट. अगर दोनों प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो चलिए स्टूडेंट्स इन तीनों केसेस में मुझे बताइए ए बी सी करके कमेंट सेक्शन में. अगर आपने इसका आंसर बताया तो इसका मतलब है कि आपने इस टॉपिक को अच्छे से समझा है. कम ऑन स्टूडेंट्स, टेल मी द आंसर फॉर ए बी एंड सी.
A, B and C में आंसर दीजिए, A, B, C में. ओके, वेरी 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 गुड. रौनक साही, प्लीज सी योर आंसर फॉर द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी के लिए अपने आंसर को थोड़ा चेक कीजिए. 143 पीपल आर नाउ वॉचिंग अस लाइव. वेरी गुड स्टूडेंट्स, वेरी 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 गुड. कम ऑन, टेल मी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन, टेल मी द आंसर्स फॉर दिस क्वेश्चन. अब देखो यार, अगर मान लो लैक्टोज तुम्हारा प्रेजेंट है, लैक्टोज प्रेजेंट है और मैंने साथ में कुछ भी नहीं बताया है, तो मैंने बोला था कि अगर लैक्टोज आ जाएगा तो ऑपरॉन क्या हो जाएगा, द ऑपरॉन इज गोइंग टू बिकम ऑन. दूसरे केस में ग्लूकोज प्रेजेंट है, क्यों आई विल वेस्ट माई टाइम, लेट्स डू दिस ऑपरॉन ऑफ. एंड नाउ सी स्टूडेंट, यू हैव गॉट लैक्टोज ऑल्सो एंड यू हैव गॉट ग्लूकोज ऑल्सो. तो स्टूडेंट, अगर तुम्हारे पास लैक्टोज भी है, ग्लूकोज भी है, तो जब मेरे पास ग्लूकोज है, व्हाई आई विल वेस्ट माय टाइम. तो स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू बी अगेन व्हाट सर ऑफ. लेकिन एक चीज थोड़ा सा याद रखिएगा स्टूडेंट, कि अगर एक आंसर ऑफ है और अगर एक आंसर यहां पे लैक्टोज और ग्लूकोज में दिया हुआ है, कि मिनिमम एक्शन, अगर एक आंसर दिया हुआ है मिनिमम एक्शन, तो मिनिमम एक्शन विल बी अ बेटर आंसर देन टोटली ऑफ. तो ये चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा कि अगर मिनिमल एक्शन दिया हुआ है तो उस पर टिक कीजिएगा, वो ज्यादा बेटर आंसर होगा देन द ऑफ. सारे लोगों को ये समझ में आ गया, सारे लोगों को ये समझ में आ गया. चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं और इस टॉपिक को फिर खत्म करेंगे. एक क्वेश्चन और लेते हैं फिर इस टॉपिक को हम लोग खत्म करेंगे. स्टूडेंट्स, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए. स्टूडेंट्स, नेम द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स, नेम द कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स ऑफ द लैक ऑपरॉन, ऑफ द लैक ऑपरॉन. ये जो लैक ऑपरॉन हमने पढ़ाया है, इसका कॉन्स्टिट्यूटिव जीन्स का नाम बताइए. तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, एक मैंने आपको सिखाया समथिंग कॉल्ड एज द आई जीन. ये जो तुम्हारा आई जीन है, दैट इज द रेगुलेटरी जीन, दैट इज द रेगुलेटरी जीन. दिस जीन इज अ कॉन्स्टिट्यूटिव जीन. ये हमेशा और हमेशा अपने आप को कोड करता है. और अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो चलिए मुझे बताइए, एनसीईआरटी में एक और जीन के बारे में लिखा है कि जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकता है. कम ऑन, टेल मी द आंसर, कम ऑन टेल मी द आंसर. एनसीईआरटी में एक और जीन के बारे में लिखा है जो कि कॉन्स्टिट्यूटिव हो सकता है. कम ऑन. यस सर, वेरी गुड वेरी गुड. देर आर मेनी पीपल हु आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर हेयर, हु आर गिविंग मी द करेक्ट आंसर हेयर. ओके, यस सर, यस सर. कम ऑन स्टूडेंट्स, बी फास्ट, कम ऑन स्टूडेंट्स, बी फास्ट, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, बी फास्ट स्टूडेंट्स. यस 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 यस. महेंद्र मिश्रा, डाउट डाउट डॉट. व्हाट इज योर डाउट महेंद्र मिश्रा? इफ यू हैव अ डाउट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग द कमेंट सो मेनी टाइम्स, प्लीज पुट योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन. ओके, कम ऑन, कम ऑन हियर. ओके, यस सर, ओके, वेरी वेरी गुड, वेरी वेरी गुड. स्टूडेंट्स याद रखिए, एनसीईआरटी बोलता है कि वी हैव अ अदर जीन एंड दैट जीन इज गोइंग टू बी विच जीन, दैट इज द लैक, लैक, जल्दी बताइए, लैक जेड जीन, लैक ए जीन, नो सर, लैक वाई जीन, लैक वाई जीन. ये जो जीन है स्टूडेंट, दिस कोड्स फॉर व्हाट? दिस कोड्स फॉर परमिएज, दिस कोड्स फॉर परमिएज. ये जो जीन है ये स्लाइटली कॉन्स्टिट्यूटिव होता है. दिस इज नॉट 100% कॉन्स्टिट्यूटिव, दिस इज स्लाइटली कॉन्स्टिट्यूटिव. याद रखिएगा, ये तुम्हारा स्लाइटली कॉन्स्टिट्यूटिव है. तो क्यों ये स्लाइटली कॉन्स्टिट्यूटिव है? तो देखो यार, अगर लैक्टोज बैक्टीरिया के अंदर घुसेगा ही नहीं, तो फिर एलोलैक्टोज कैसे बनेगा? और एलोलैक्टोज बनेगा ही नहीं, तो फिर कभी भी ये ऑपरॉन ऑन होगा क्या?
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि थोड़ा मोरा वाई जीन अपने आप को हमेशा कोड करते रहे और परमिएज बनता रहे, क्योंकि अगर परमिएज नहीं बना तो कभी भी लैक्टोज अंदर ही नहीं आ पाएगा, और अगर लैक्टोज अंदर नहीं आ पाया तो कभी भी ये ऑपरॉन सिस्टम ऑन होगा ही नहीं। ठीक है स्टूडेंट्स, होप एवरीबडी गॉट दिस, होप एवरीबडी गॉट दिस। ओके, वेरी 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 गुड। ओके स्टूडेंट्स, वेरी गुड। चलिए सर प्लीज, सारे लोग यहां पर कमेंट सेक्शन पे ज्यादा मत देखा करो यार, मैंने आप लोगों को कितनी बार बताया है, कुछ लोग यहां पे टाइम पास करने आते हैं, आने दो, दैट इज द ग्रेट थिंग दैट दे आर डूइंग। हम लोग को अपने आप पे ध्यान देना है, हम लोग को अपने आप पे ध्यान देना है। जो लोग भी यहां पढ़ने आए हैं, एंजॉय, यू आर ऑन द वन ऑफ द बेस्ट क्लासेस ऑफ इंडिया, आप इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट क्लास पे स्टडी कर रहे हैं, अन अकेडमी प्लस स्टूडेंट्स। ओके, एंड आई एम योर एडुकेटर, वन ऑफ द टॉप मोस्ट फैकल्टीज एट द अन अकेडमी। आपको इससे बेटर टीचिंग कहीं नहीं मिलने वाली है। कम ऑन, एंजॉय दिस एंड टेक द बेनिफिट ऑफ दीज फ्री क्लासेस। चलिए स्टूडेंट्स, Let's continue here. Okay, sir, 500 topics कैसे कवर होगा? मुशर्रफ हुसैन होगा ना, मैंने बोला है होगा, आप बिल्कुल टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, अभी कुछ मैं बड़े बड़े टॉपिक्स ले रहा हूं तो उसमें थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगता है, अगर मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा तो फिर से वही बात हो जाएगी, सर क्वेश्चन वन का ए, ऑप्शन टू का सी, उसका डी, तो फिर मजा नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट एक एक क्वेश्चन में हम लोग 20-20, 30-30 क्वेश्चन को समझ रहे हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे की तरफ बढ़ेंगे ना, छोटे छोटे टॉपिक आएंगे, एक एक दिन में 10-10, 15-15 टॉपिक भी होंगे, बट अभी मैं सारे बड़े टॉपिक को कवर कर रहा हूं। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स, ओके मजा आ गया। चलिए सर, अब हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, अब हम लोग सारे की तरफ बढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सारे लोग कर सकते हो यार, यो आपके पास भी रिपोर्ट करने का एक बटन होता है। चलिए स्टूडेंट्स, कम ऑन, लेट्स कंटिन्यू। तो पढ़ना है ना यार, और पढ़ना है ना, नेक्स्ट टॉपिक लिया जाए ना। यस सर, तो हेयर कम्स द नेक्स्ट टॉपिक। और यार ये टॉपिक है फ्रॉम द बायोमोलिक्यूल चैप्टर, यही तो वेरिएशन है, एक टॉपिक 12 का लिया और अब एक टॉपिक 11 का, मैकेनिज्म ऑफ द एंजाइम एक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, चलो अब यहां पे ध्यान दीजिए स्टूडेंट, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। अब देखो यहां पे सबसे पहला चीज, सबसे सिंपल सा चीज जो आपको समझना है, मान लीजिए स्टूडेंट आपके पास कोई भी एंजाइम है। एंजाइम हमेशा एक टीचर का जैसा काम करता है। ठीक है, एंजाइम हमेशा एक टीचर का जैसा काम करता है, और एंजाइम के लिए जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो होते हैं सबस्ट्रेट। तो मान लीजिए ये तुम्हारा एक सबस्ट्रेट बन गया। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारे और आपके बीच में एक मस्त वाला रिलेशनशिप बने, तभी जाके आपको मेरे पे भरोसा होगा और मेरे को आप पे भरोसा होगा, मुझे भी मजा आएगा और आप लोगों को भी मजा आएगा। एंड दिस इज गोइंग टू बी अ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, स्टूडेंट्स ये जो तुम्हारा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स यहां पे बना है, ये बनना बहुत जरूरी है, और एक बार ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बना, धीरे धीरे दिस विल गेट कन्वर्टेड इंटू अ एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड फाइनली द रिएक्शन इज गोइंग टू गेट एंडिंग इंटू द एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, किन किन चीजों पे मैंने यहां पे ध्यान दिया और आपको क्या समझने का है। देखो, जब ये रिएक्शन हुआ, ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब यहां पे एक अच्छा बॉन्डिंग बने। तो यार आप लोग सबसे पहला चीज समझ लीजिए कि आपको मेरे क्लासेस से तभी फायदा होगा जब आपको मेरे ऊपर भरोसा होगा और मेरे साथ एक अच्छा बॉन्डिंग के साथ आप चलेंगे। अब जैसे कि कुछ लोग यहां पे आते हैं, अपना भी टाइम बर्बाद करते हैं, हमारा भी कुछ टाइम बर्बाद करते हैं, जब तक वो बॉन्डिंग ही नहीं बनेगा ना यार, यू आर नेवर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इंटू अ प्रोडक्ट। This is very very important. And students, you people are at present students, and if you want to get converted into a doctor, so this is going to be there only and only if you have got this. लेकिन अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, जब reaction end होता है तो जो enzyme था वो आज भी enzyme ही है या नहीं है?
याद रखिए, मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं। अगर मैं एंजाइम हूं तो मैं कभी बदलने वाला नहीं हूं। एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, याद रखिए, एंजाइम रिमेन्स अनचेंज्ड। अगर कोई चीज चेंज होता है, अगर कोई चीज चेंज होता है तो वो कौन होता है? तो तुम लोग बदल जाओगे यार, तुम लोग सारे के सारे क्या बन जाओगे? प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर जाओगे। दिस इज गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों ऐसा करते हो यार तुम लोग? बस एग्जाम तक ही मेरे से रिलेशन रखते हो, उसके बाद यार भूल जाते हो सारे लोग। कोई बात नहीं है, चलिए स्टूडेंट्स, अब तो आदत सी हो गई है, हर साल यही होता है। अब देखो, ये जो हमारा कॉम्प्लेक्स बना है, एक जो हमारा ये रिलेशन बना है, ये रिलेशन नीट के एग्जाम तक चलेगा, काउंसलिंग तक चलेगा, रिजल्ट्स तक चलेगा, बट क्या ये जिंदगी भर चलेगा? नो सर, हम लोग कितना भी कोशिश कर ले, याद रखिए स्टूडेंट, ये एक टेम्पोररी स्टेट होता है, ये एक टेम्पोररी स्टेट होता है। और ये जो टेम्पोररी स्टेट होता है स्टूडेंट, दिस इज अनस्टेबल, ये अनस्टेबल है। आप कितना भी बोल लो, आप कितना भी बोल लो, बट ये अनस्टेबल स्टेट है, ठीक है स्टूडेंट्स। बट कुछ दिनों के बाद यू आर गोइंग टू गेट कन्वर्टेड इनटू डॉक्टर्स। यू ऑल द सबस्ट्रेट्स, ऑल द स्टूडेंट्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू द डॉक्टर्स, बट द एंजाइम विल रिमेन एंजाइम। बट क्या तुम लोग मेरे को बोल दोगे क्या कि सर एक बार हम लोग को पढ़ा लिया अब किसी और को नहीं पढ़ाना है, एक बार हम लोग को पढ़ा लिया अब किसी और को नहीं पढ़ाना है? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं। फिर से सेम चैनल पे, सेम प्लेटफॉर्म पे मैं कुछ और दूसरे स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूंगा। यस सर, याद रखिए स्टूडेंट, ये जो एंजाइम है एट द एंड ऑफ द रिएक्शन, एट द एंड ऑफ द रिएक्शन ये क्या करने वाला है? इट विल एक्ट ऑन, इट विल एक्ट ऑन अदर सबस्ट्रेट, इट विल एक्ट ऑन अदर सबस्ट्रेट। बट ध्यान दीजिए स्टूडेंट, एज अ एंजाइम, जो कि मैं टीचर हूं, आई एम अ बायोलॉजी टीचर। नाउ इफ यू ऑल आस्क मी कि सर प्लीज इसी तरह से आग लगा के फिजिक्स भी पढ़ा दो यार, वी आर द फिजिक्स स्टूडेंट्स, ना बाबा मेरे से नहीं हो पाएगा यार, मेरे से नहीं हो पाएगा। यस सर, याद रखिए स्टूडेंट, ये जो एंजाइम सबस्ट्रेट का रिलेशनशिप है वो एक स्पेसिफिक रिलेशनशिप है। बायो का टीचर और बायो का स्टूडेंट, फिजिक्स का टीचर और फिजिक्स का स्टूडेंट, इन द सिमिलर फैशन एंजाइम एंड सबस्ट्रेट। कभी भी एक एंजाइम किसी डिफरेंट टाइप के सबस्ट्रेट पे काम नहीं करने वाला है। दिस इज ऑलवेज एंड ऑलवेज अ स्पेसिफिक रिएक्शन। होप स्टूडेंट सारे लोगों को इतना तो अभी तक समझ में आया। तो क्या सीखा हम लोग? सबसे इंपॉर्टेंट है एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनना। एक बार एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया तब जाके स्टूडेंट दिस विल गेट कन्वर्टेड इनटू एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, एंड एट द एंड दिस विल गेट डिसोसिएटेड इनटू एंजाइम प्लस प्रोडक्ट, द सबस्ट्रेट कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट, बट एंजाइम रिमेनिंग अनचेंज्ड इन फॉर्म ऑफ द एंजाइम, ठीक है। और जब रिएक्शन तुम्हारा खत्म होगा तो एंजाइम फिर किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे काम करेगा, ठीक है। अब स्टूडेंट्स देखते हैं मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है। अभी बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं, बट अगर मजा आ रहा है तो 160 पीपल आर वॉचिंग अस लाइव, 160 कमेंट आना चाहिए, मजा आ रहा है। कम ऑन स्टूडेंट्स, मजा आ रहा है, जल्दी जल्दी लिख के बताइए, जल्दी जल्दी लिख के बताइए। ओके 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 स्टूडेंट्स, अच्छा महेंद्र मिश्रा का क्वेश्चन था, सर हाउ डू साइंटिस्ट फिगर आउट व्हाट जीन कंट्रोल्स अ ट्रेट? अरे यार इसी के लिए तो हुआ था ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। आप ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को स्टडी करो। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने क्या जाना कि किस क्रोमोसोम पे कौन सा जीन है, इस जीन के आगे कौन सा जीन है, पीछे कौन सा जीन है, कौन सा जीन क्या फंक्शन करता है। तो स्टूडेंट दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द फंक्शंस ऑफ द जीन। ओके महेंद्र मिश्रा, थोड़ा से प्यार से पूछोगे ना यार, तो थोड़ा प्यार से मैं भी और अच्छे से बताऊंगा, ठीक है। ओके मजा आ रहा है, ओके वेरी 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 गुड। तो स्टूडेंट्स देयर आर गुड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स,
सर बीटी कॉटन क्या है? अब ये सब क्वेश्चन बेसिक सा है यार, ये भी मैं लेके आऊंगा, ये भी मेरा डू और डाई टॉपिक में आएगा। बीटी कॉटन इज योर अ ट्रांसजेनिक कॉटन, जो कि अपने आप को रेजिस्टेंट करके रखा हुआ है, किससे? कॉटन वॉलवॉर्म से। और जीन कहां से डिराइव करता है? तो जीन इज कमिंग फ्रॉम द बैसिलस थुरिंजियनेसिस, सारे को पता है यार, डिटेल में बताएंगे। आप लोग अभी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछो, ठीक है? ऐसा नहीं है कि मैं बस आज आके मैं चला जाऊंगा। द टॉपिक हर रोज मैं यहां पे क्लासेस ले रहा हूं, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। मेरे क्लासेस हमेशा रात में यातर 10 और 10:30 और 11, 10 से 11 के बीच में होने ही होने हैं। इधर दो दिन से मैं नहीं आ रहा था, थोड़ा सा बिजी हो गया था, बट नाउ आई एम बैक अगेन। ओके स्टूडेंट्स, चलिए चलिए नेक्स्ट। सर प्लीज टेक माई नेम। ओके, अब स्टूडेंट्स हम लोग थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं, थोड़ा मजा आएगा, ठीक है? चलिए नेक्स्ट वन। अब देखो स्टूडेंट्स, आखिर ये एंजाइम काम कैसे करता है, हाउ दिस एन एंजाइम एक्ट्स, ठीक है? तो देखिए, सबसे पहले ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बेसिक सा मैकेनिज्म। मान लो स्टूडेंट, ये मैंने एक ग्राफ यहां पे ड्रॉ किया। ओके, नाउ यू आर अ स्टूडेंट, हर कोई इस क्लास में जो भी है वो स्टूडेंट है, ऐसा नहीं है कि आपको नॉलेज नहीं है। यू ऑल आर हैविंग लिटिल बिट अमाउंट ऑफ नॉलेज, नो डाउट अबाउट दैट। मान लीजिए योर एनर्जी इज हेयर, मान लीजिए मैंने आपके एनर्जी लेवल को इस एक्सिस पे शो किया, और ऑन दिस एक्सिस आई एम शोइंग द टाइम। तो आप लोग अभी जीरो पे नहीं हो यार, आप लोग अभी जीरो पे नहीं हो, यू ऑल आर एटलीस्ट एट दिस लेवल, यू ऑल आर एटलीस्ट एट दिस लेवल। तो दिस इज द एनर्जी लेवल ऑफ द सबस्ट्रेट। लेकिन क्या तुम इस नॉलेज से डॉक्टर बन जाओगे? क्या तुम इस नॉलेज से डॉक्टर बन जाओगे? नो सर, आपको कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज एक्वायर करना पड़ेगा। तो स्टूडेंट मान लीजिए आपने पढ़ाई शुरू किया, एंड दिस इज द एक्स्ट्रा नॉलेज दैट यू आर नाउ गेनिंग। नाउ स्टूडेंट्स, वंस यू गेन दिस मच नॉलेज, देन ओनली यू आर गेटिंग कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड द प्रोडक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, मतलब डॉक्टर बनने के लिए आपको अभी भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए। तो ये जो एक्स्ट्रा नॉलेज तुम्हें चाहिए, दिस इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं? एक्टिवेशन। याद रखिए स्टूडेंट, इसको यहां से नहीं लेना है, दिस इज नॉट द टोटल एनर्जी, द एक्टिवेशन एनर्जी इज द एक्स्ट्रा एनर्जी। जो एनर्जी आपके पास पहले से है उसमें कुछ और एक्स्ट्रा एनर्जी देंगे, तो दैट इज कॉल्ड एज द एक्टिवेशन एनर्जी, एंड यू विल गेट कन्वर्टेड इनटू समथिंग कॉल्ड एज अ प्रोडक्ट। अब देखो यार, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो किसी भी टीचर से हेल्प नहीं लेते हैं, जो कि किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ते हैं, उसके बावजूद दे आर एबल टू गेट कन्वर्टेड इनटू द डॉक्टर्स एंड दे क्वालिफाई फॉर द एग्जाम। ऐसा नहीं है कि सब किसी को टीचर की जरूरत होती ही है या कोचिंग की जरूरत होती ही है। देखो यार, अगर मैं आपको बोल दूं कि यार आप पूरा एनसीईआरटी पढ़ लो, आप पूरा डिफरेंट कोचिंग स्टडीज मटेरियल को पढ़ ले, हर किताब बायो का जो अवेलेबल है वो पढ़ लो, जितना प्रदीप सुरेश महेश दिनेश सारे किताब हैं सारे को सॉल्व कर लो, तो तुम डॉक्टर बन जाओगे। तो ऑब्वियसली यार, अगर इतना कर ही लेंगे तो डॉक्टर क्यों नहीं बन जाओगे? एनीवन कैन बिकम अ डॉक्टर। बट प्रॉब्लम क्या है कि इतना पढ़ेगा कौन, तो स्टूडेंट इसीलिए आप आते हैं मेरे पास, आप आते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में कि सर मुझे वो सब चीज बताओ जो कि एग्जाम में आता है, इतना तो मैं नहीं पढ़ पाऊंगा। तो स्टूडेंट देखिए, अगर स्टूडेंट सेम रिएक्शन को मैं एक एंजाइम के प्रेजेंस में कराता हूं तो क्या होता है? तो ध्यान दीजिए स्टूडेंट, द सेम रिएक्शन विल बिकम समथिंग लाइक दिस। तो स्टूडेंट, सबस्ट्रेट जहां था वो वहीं पे है, प्रोडक्ट जहां था वो वहीं पे है, बट पहले आपको जितना एनर्जी चाहिए था अब आपको उतने एनर्जी की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताने वाला हूं वो 500 टॉपिक्स जहां से कि नीट में क्वेश्चन आएंगे। इंस्टेड ऑफ स्टडिंग सो मेनी थिंग्स, इफ यू स्टडी ओनली दिस 500 टॉपिक्स ऑल्सो, यू आर गोइंग टू क्वालिफाई फॉर दिस नीट एग्जाम। तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट, दैट
टीचर क्या करता है जब यही रिएक्शन एंजाइम के प्रेजेंस में हुआ, जब यही रिएक्शन हुआ इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, तो स्टूडेंट एंजाइम ने क्या किया है, एंजाइम ने एक्टिवेशन एनर्जी को लो कर दिया है। याद देखिए स्टूडेंट, दिस इज गोइंग टू लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। कभी भी आपसे पूछे कि भाई एंजाइम काम कैसे करता है, तो वो एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देता है। आप कम ड्यूरेशन पढ़ाई करके भी एग्जाम में ज्यादा स्कोर कर सकते हैं। स्टूडेंट जितने चीजों को सीखने में अगर आपको 4 दिन लगता है, 5 दिन लगता है, और फिर भी आप उस कॉन्सेप्ट को ठीक से नहीं सीख पाते हैं, अगर आप एक अच्छे टीचर से पढ़ते हैं तो स्टूडेंट द सेम थिंग अ गुड टीचर कैन कवर विद इन वन क्लास, और वो आपका कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्लियर करने वाला है। बट यहां पे ध्यान दीजिए कि प्रोडक्ट का एनर्जी तो अभी भी वही है, सबस्ट्रेट का एनर्जी तो अभी भी वही है। तो अगर स्टूडेंट तुम लोग केमिस्ट्री अच्छे से जानते हो, तो क्या हीट ऑफ द रिएक्शन चेंज हुआ है, क्या हीट ऑफ द रिएक्शन चेंज हुआ है? नो सर। याद देखिए, एंजाइम नेवर चेंजेस द हीट ऑफ द रिएक्शन, द हीट ऑफ द रिएक्शन रिमेन्स सेम। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या केमिकल इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हुआ है? तो नो सर, देयर इज नो चेंज इन द केमिकल इक्विलिब्रियम। तो ये दोनों पॉइंट याद रखिएगा कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को तो कम करता है लेकिन हीट ऑफ रिएक्शन को चेंज नहीं करता है, और केमिकल इक्विलिब्रियम को किसी भी तरह से डिस्टर्ब नहीं करता है। तो दिस इज हाउ दे आर गोइंग टू एक्ट। सारे लोगों को समझ में आया? सारे लोगों को समझ में आया? अब देखिए स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस होते हैं ये 2 टाइप के हो सकते हैं। नाउ पे अटेंशन, अभी मैं जो भी चीज बनाऊंगा दैट इज गोइंग टू बी इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम, ठीक है? तो स्टूडेंट व्हाट एवर वी आर गोइंग टू टॉक, वी आर गोइंग टू टॉक इन प्रेजेंस ऑफ द एंजाइम। तो देखिए स्टूडेंट, यहां पर क्या होने वाला है, मान लीजिए सबसे पहला हम लोग बात कर रहे हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। वी आर टॉकिंग अबाउट अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है? अब देखो, मान लीजिए ये तुम्हारा, मैंने एक ग्राफ यहां पे बनाया। अब यहां पर सबस्ट्रेट है, यहां पर सबस्ट्रेट है। अब एनर्जी रिएक्शन तुम्हारा स्टार्ट हुआ, अब रिएक्शन स्टार्ट हुआ इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, और ये ऐसा गया। एंड स्टूडेंट फाइनली यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोडक्ट हेयर, यू आर गोइंग टू गेट अ प्रोडक्ट हेयर। व्हाट वी आर सीइंग हेयर, यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट के एनर्जी से ज्यादा है, लेकिन प्रोडक्ट कब बनेगा, जब यहां पर क्या बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। तो स्टूडेंट दिस इज द एनर्जी ऑफ द सबस्ट्रेट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज द एनर्जी ऑफ द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। जब भी प्रोडक्ट का एनर्जी सबस्ट्रेट के एनर्जी से ज्यादा होगा, मतलब there has been a absorption of the heat, absorption of the energy, and that is called as the endothermic reaction. इसी प्रकार से अगर we go for something called as a exothermic reaction, if we go for the exothermic reaction, तो यहां पे क्या होने वाला है, तो pay attention students, मान लीजिए we have a graph something like this, और यहां पर substrate है, and here the reaction again starts in presence of the enzyme, and now the product lies here. तो जो product का energy है वो substrate के energy से भी क्या हो चुका है, कम हो चुका है। But यहां पर भी enzyme substrate का complex यहां पे है क्या, नहीं है। तो students अगर तुम देख रहे हो तो आप देखो कि यहां पे product का energy ज्यादा है, यहां पे product का energy कम है, लेकिन एक चीज सब कोई miss कर रहा है। क्या मिस कर रहे हैं, अगर मैं पूछूं कि एंजाइम और सबस्ट्रेट ये जो कॉम्प्लेक्स है इसका एनर्जी क्या है, तो भले ही एक्सोथर्मिक हो या एंडोथर्मिक हो, दोनों ही रिएक्शन में इफ यू सी स्टूडेंट, मैक्सिमम एनर्जी किसका है, द मैक्सिमम एनर्जी इज ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट, इसका मैक्सिमम है। इसके बाद यहां पे किसका है,
तो तुम्हारे प्रोडक्ट का है, और इसके बाद किसका है, तो तुम्हारे सबस्ट्रेट का है। तो स्टूडेंट अगर इस तरह का कोई भी रिएक्शन दिया हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी अ एंडोथर्मिक रिएक्शन, बट यहां पर भी यू हैव गॉट द एंजाइम सबस्ट्रेट, इसका एनर्जी अभी भी मैक्सिमम है, बट उसके बाद एनर्जी किसका ज्यादा है, सबस्ट्रेट का, और उसके बाद एनर्जी किसका ज्यादा है, तो प्रोडक्ट का। तो ये चीज तुमको हमेशा याद रखना है, डोंट पे अटेंशन ओनली टू द प्रोडक्ट एंड द सबस्ट्रेट, पे अटेंशन टू द एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स। अब आप खुद सोचो ना यार, अगर मैं भी एग्जाम में तुम्हारे साथ बैठ जाऊं, तब आपको टॉप करने से कौन रोक सकता है, इफ द टीचर इज सिटिंग विथ यू एंड द सेम थिंग, भले दैट इज अ एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, जहां पे भी एंजाइम और सबस्ट्रेट साथ में हैं, जहां भी टीचर और स्टूडेंट साथ में हैं, वहां पे जो नॉलेज का लेवल होता है वो सबसे ज्यादा होता है। जैसे कि जब क्लास में हम लोग पढ़ते रहते हैं तो क्या लगता है कि सब कुछ सीख गए, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर हो गया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं तो फिर भूल जाते हैं, क्योंकि वहां पे आपके टीचर आपके साथ नहीं रहते हैं। तो होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट भी बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि आखिर एक एंजाइम काम कैसे करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अभी भी एंजाइम से बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलेटेड टॉपिक्स हैं, अभी भी एंजाइम से बहुत सारे अच्छे अच्छे रिलेटेड टॉपिक है स्टूडेंट्स। चलिए लेट्स कंटिन्यू। हाँ वेरी गुड सर, तीन टीचर